किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रह करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएँ उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वह सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सके। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह हो गया। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा नहीं उड़े थे तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। जी हाँ, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य यह हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।